विशाल भारद्वाज रंगून, दुनिया जानती है कि ये विशाल भारद्वाज जो डायरेक्टर है, फैंटास्टिक डायरेक्टर। इस पिक्चर में मुझे तीन गाने अच्छे लगे। एक तो ट्रिंग ट्रिंग वाला गाना अच्छा लगा, और फिर ये इश्क है गाना अच्छा लगा, और फिर मेरा पिया गया इंग्लैंड वो गाना अच्छा लगा। तीन गाने बड़े अच्छे हैं। और इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड स्कोर है, वेरी इफेक्टिव इट इज़। देन चुमा चाटी, येस ऑफकोर्स कंगना इज बिंदास, वो तो करती है। एक पर्टिकुलर डायलॉग जो मुझे अच्छा लगा रंगून में, वो ये कि जहाँ शाहिद कपूर कुछ कंगना को समझाना चाहता है और वो समझ नहीं पा रही है, तो कहती है कि भाई एक औरत को कुछ भी समझाना मतलब एक हाथी को चड्डी पहनाने के बराबर है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, यू नो, दुनिया जानती है कि हाथी ना चड्डी पहनेगा ना पहनाई जा सकती है उसको। तो ये कहता है कि भाई एक औरत को कुछ भी समझाना एक हाथी को चड्डी पहनाने के बराबर है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, एज आई सेड, यू नो, लाइक, अच्छा हाँ, ये हमको, यू नो, लाइक ऑलवेज वी कंप्लेन अबाउट दिस कि पिक्चर जब आपने शुरू कर दी तो पिक्चर शुरू हो जाने के बाद आप उसमें टाइटल्स ना डालें। अभी तक मैं नहीं जानता, आई एम नॉट वेरी क्लियर, आई हैव अ फीलिंग दैट विशाल भारद्वाज इज ऑल्सो द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द पिक्चर, बट आई स्टिल आई एम नॉट श्योर, यू नो। वी कैन सी वन थिंग एट ए टाइम, या तो हम टाइटल्स पढ़ सकते हैं या फिर पिक्चर देख सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी एक बात, शिकायत मेरे को हमेशा रहती है कि जहाँ आपने सर्टिफिकेट दिखा दिया, सेंसर सर्टिफिकेट दिखा दिया, उसके बाद आप टोबैको की जो ऐड डाल देते हो ना, इरिटेट करती है। जहाँ आपने सेंसर सर्टिफिकेट दिखा दिया तो उसके बाद पिक्चर शुड बी स्टार्टेड इमिडिएटली, पिक्चर को आप शुरू कर दीजिए। हाँ, ये बात और है कि भाई पिक्चर रंगून इज़ 2 घंटे 45 मिनट की पिक्चर है, तो विच इज़ अ बिट लेंथी, लाइक, यू नो, थोड़ा सा कुछ उसको ट्रिम किया जा सकता था। और कुछ बातें हैं रंगून में जो मेरी समझ में कम आ रही थी। यस, वी कैन से रंगून इज़ अ पिक्चर मेनली फॉर द क्लास ऑडियंस एंड मल्टीप्लेक्सेस। सिंगल स्क्रीन वाले कुछ कम समझ पा रहे हैं पिक्चर को। और ये कहा जा सकता है कि भाई यस, विथ माउथ पब्लिसिटी, यू नो, विथ माउथ पब्लिसिटी द पिक्चर्स कलेक्शंस कैन इम्प्रूव, ये भी हो सकता है। आई मीन एक्टिंग, यस, कंगना रनौत के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट शी हैज़ ओवर शेडोड सैफ एंड शाहिद कपूर। शी हैज़ नॉट ओनली एक्टेड, यू नो, कंगना ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, शी हैज़ लिव्ड द रोल। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि भाई इस पिक्चर के 3 स्टार्स नहीं हैं, 4 स्टार्स हैं। एक तो आपका सैफ अली खान, दूसरा शाहिद कपूर, फिर कंगना रनौत, और फिर चौथा स्टार हम कह सकते हैं विशाल भारद्वाज, बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक फिल्म मेकर। बट देन टू अंडरस्टैंड समटाइम्स हिज पिक्चर, यू नो, आई मीन आई फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट, द थिंग्स शुड बी मोर क्लैरिफाइड। म्यूजिक, यस, 3 गाने जैसे मैंने कह दिया कि भाई मेरा पिया गया इंग्लैंड, और फिर ये इश्क है, एंड देन ट्रिंग ट्रिंग वाला जो गाना है ना, 3 गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। देन द बैकग्राउंड स्कोर इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी नाइस। रोमांटिक सीन्स, यस, कंगना इज बिंदास, बिल्कुल बात पे वो तो चुम्मा देने के लिए तैयार है, और दे दिए हैं इसमें, बिंदास है वो। ओवरऑल, यस, ओवरऑल आई कैन से दैट द पिक्चर इज मेनली फॉर द क्लास ऑडियंस एंड मल्टीप्लेक्सेस। Out of 5, the critics at least we give you 4, or some of them might even give you 4.5.